लाठी गोली की सरकार, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलोच की नस्ल खुशी, बंद करो, बंद करो। नहीं नहीं करेंगे, खाली करोगे, खाली करोगे, खाली 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 बलोच संगत, खाली बलोच स्टेज से का दूसरी का प्यार दिखाना तो निर्णय दोस्तों पीछे थी यार, छोटे बच्चे थे, उनमें से दो शहीद हो गए और एक की हालत तफ्तीश ना गए। और ये शर्मनाक चाल देखोगे, वो मानने को भी तैयार नहीं है, वो ये बात मानने को भी तैयार नहीं है कि हमने ये चीज किया है। कम से कम जो जुल्म करते हो उसे तस्लीम तो करो, शायद ये हमारी मुजाहमत है जो इस चीज से उनको डरा रही है कि वो इस जुल्म को तस्लीम करें। हमारी मुजाहमत शुरू से है, तारीख से है और इंशाल्लाह रहते दम तक रहेगी। बलोचों की ये जो तारीख है इसे आप बंदूकों से नहीं डरा सकते, ना इसे बंदूकों से बंद कर सकते। बलोच की नस्ल खुशी, बलोच की नस्ल खुशी, बलोचवान, बलोचवान, जुल्म के हिसाब से। तो बात ये है कि अगर आप लोगों ने जुल्म किया है उसे तस्लीम तो करो, मतलब ये कि मुजाहमत से डरते हैं और इस बात से डरते हैं कि हमने तस्लीम किया तो लोग सड़कों पर निकलेंगे। हमने सड़कों पर आना है क्योंकि मुजाहमत हमारे खून में है, मुजाहमत बलोच के खून में है। आज अगर हम मुजाहमत नहीं करेंगे तो कल हमें पछताना होगा, तो इसलिए हम उस साहब के लवाइकीन के लिए सड़कों पर हैं। और जो ये DC साहब बात मानने से इनकार कर रहे थे कि हमने ये नहीं किया, कराची के अस्पताल में जो हमारा बच्चा है जो जख्मी हालत में है, तफ्तीशनाक हालत में है, उसके रिपोर्ट में भी लिखा है कि इसे मर्डर बोले लगे हैं। तो मतलब साइंस के दौर में भी आप लोग अपने जुल्म को इस तरह नहीं छुपा सकते। आज साइंस का दौर है, अगर आप जुल्म करोगे तो वो सर्फिस पर आ ही जाएगा किसी न किसी तरीके से। ये बात अब पुरानी है कि आप जुल्म करोगे तो हर कोई छुप रहेगा या आपके डर से बैठा रहेगा। आज हमारे DG गांधी बलूचिस्तान में देखो लोग सड़कों पर हैं, लोग आपके खिलाफ हैं। क्यों खिलाफ हैं? क्योंकि आप लोगों ने जो काम शुरू किया है उसे इख्तिताम हमने देना है, उसे बलोच इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि वहां कोई लाश ना गिराई गई हो,
लाश बीबी की लाश गिराई गई, उसके बाद लाश बीबी की लाश गिराई गई। और अब आपने देखा के मकरान डिवीजन के इलाके खोशाम में नन्हे फूलू के ऊपर मोटर गोले फेंके गए और उनकी लाशें गिराई गई। हम रियासत से ये पूछना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहती हो? रियासत, हमें तो कहा गया कि रियासत वहां होती है, कि कैसी मां है जो अपने बच्चों को खाने पर तुली हुई है? हमें कहा गया कि आप पाकिस्तान से इलाज करें, हम आपके इलाकों को तरक्की देंगे। ये यही तरक्की है कि गुज़श्ता 70 साल से बलोचिस्तान में फैजी ऑपरेशन हो रहा है, बलोचों की मरशुदा लाशें फेंकी जा रही है, बलोचों को लापता किया जा रहा है। बलोचिस्तान में इतनी तालीमी इदारे नहीं है जितने वहां छावनियां बनाई गई है, हमें छावनियों की जरूरत नहीं है। एफसी वहां क्या कर रही है, आप जाए बलोचिस्तान में देखें तो ऐसे मालूम होता है कि एफसी ने और आर्मी ने किसी कौम के एक सूबे को फतह करने आए हूँ। क्या बलोचिस्तान इंडिया का सूबा है कि आपने वहां इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेज दी है? तकरीबन एक फरलांग पर एफसी की चेक पोस्ट है, उसके बावजूद रोजाना बलोचों की लाशें गिरती है। बलोचों की लाशें क्यों गिर रही है? उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि हमें हकूक दिए जाए। हम बलोच पाकिस्तान के आईनी फ्रेमवर्क के अंदर बात कर रहे हैं, हम रियासत से अपने जमहूरी और आईनी हकूक का मुतालबा करते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे ऊपर गालियां बरसाई जाती है, इसलिए कि वहां के वसाइल को लुटा जाए। इस रियासत ने बलोचिस्तान को पाकिस्तान में इसलिए शामिल किया था कि उसके वसाइल लूटे जाए। हमारा मुतालबा है कि खोशाम के जो नन्हे बलोचों का कत्ल किया गया है, उनके कातिल को बिलफौर गिरफ्तार किया जाए, और वहां जो एफसी विराजमान है एफसी को वहां से फौरी तौर पर हटाया जाए। बलोचिस्तान वालों को ऐसे मासूम की जरूरत नहीं है जो बलोचों का कत्ल आम करें। हमने बारह इस मसले पर बात की, लेकिन हमारी बात को सुनाई नहीं जाता। ये फिरौन हुक्मरान, ये जान कमाल, कहां बलोच 6 दिन से अपनी लाशें सर के ऊपर रखकर बैठे हैं, लेकिन कोई उनसे पूछने वाला तक नहीं आया। क्या बलोचिस्तान के लोग पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हमें इस बात का जवाब दिया जाए। रोजाना मासूमा लाशें गिराने का मकसद ये है कि आपने बलोचों को आज तक पाकिस्तान के शहरी तस्लीम ही नहीं किया। बलोचिस्तान जो एक मादरियात से वाला माल सूबा है, सिर्फ उसके वसाइल को लूटने के लिए वहां आर्मी और एफसी वहां विराजमान है। बलोचिस्तान के बलोचों को जिंदगी की कोई बुनियादी सुविधा तक मुयसर नहीं है। बलोचिस्तान बलोचों की सरजमीन है, ये आप लोगों को भूल है कि हम इनका कत्लेआम करेंगे तो बलोच अपने हकूक की जद्दोजहद से दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन जब तक एक भी बलोच जिंदा है ये हकूक की जद्दोजहद जारी रहेगी। आप बलोचों की लाशें गिराए, आप बलोचों की मासूमा लाशें फेंके, आप बलोचों को लापता करें, लेकिन ये जो हकूक की जद्दोजहद है हम इससे कतल करता दस्तबरदार नहीं हुए। ये हमारे आईनी और जमहूरी हकूक की जद्दोजहद है। रोज बलोचिस्तान के नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है। 5वां फौजी ऑपरेशन इस रोज बलोचिस्तान में जारी है। हमें इस बात का जवाब दिया जाए।
जो अपने अवैध के ऊपर बमबारी करती है, ये कैसी रियासत है जो अपने अवाम को मारती है। ये शैली पाकिस्तान की वो पहली फौज है जिसने सारी जिंदगी अपने ही अवाम के ऊपर गोलियां चलाई है। हमें ऐसे मुहाफ़िज़ों की जरूरत नहीं है, हमारे सूबे से अर्जी को निकाला जाए, हमें ऐसे मुहाफ़िज़ नहीं चाहिए। हमारा मतलब यही है कि बलोचों के साथ वही सलूक किया जाए जो दूसरे सूबों के अवाम के साथ किया जाता है। बलोच लगा नहीं है, लगातार वो है जिन्होंने बलोचिस्तान पर फौजी ऑपरेशन किए, लगातार वो है जिन्होंने नवाब गुड्डी का इंतजाम किया, लगातार वो है जिन्होंने इस पाकिस्तान का आईन तोड़ा, लगातार वो है जिन्होंने पाकिस्तान को दोनों किया, लगातार वो है जिन्होंने बंगाली आवाम को पैदा होने पर मजबूर किया। आज यही फौज, आज यही ऐसी, आज यही रियासत हम पाकिस्तान को बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने हुकूमत में रहो, आईन की पामाली न करो। आज पाकिस्तान में आईन की पामाली करो नहीं करना है, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस आईन को पामाल कर रही है। मामला आईन पर काम हो रहा है, मामला आईन लोग बलोची को मारा जा रहा है। बलोच अपने हुकूमत मांगता है, बलोच पानी मांगता है, बलोच तालीम मांगता है, बलोच रोजगार मांगता है। बलोच ने कोई ऐसी चीज आपसे नहीं मांगी, बलोच ने ये नहीं कहा है कि हमें वजीर आजम बनाओ, बलोच ने ये नहीं कहा कि हमें सदर बनाओ। बलोच अपने हकूक की, अपने आईनी हकूक की जग ला रहा है और आखिर दम तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। थैंक यू। संतोष बस इजाजत है। संतानी मिनट मारू प्रोटेस्ट एंड नहीं है, कुल संतानी मिनट मारू मेरा पास।